नमस्कार दोस्तों, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज पर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम में आज का पंचांग, आज का राशिफल और आज का इतिहास। मैं हूँ आपके सामने निहारिका। तो जल्दी से शुरुआत कर देती हूँ आज के प्रोग्राम की। आज है 17 मार्च। जी हाँ, 17 मार्च 2023। दिन शुक्रवार। विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944। आयन उत्तरायण, बसंत ऋतु है और चैत्र मास है। कृष्ण पक्ष चल रहा है और तिथि की बात अगर हम लोग करें तो दशमी दोपहर 2:06 तक है और उसके बाद लग जाएगी एकादशी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 18 मार्च रात्रि 2:46 तक है और उसके बाद हो जाएगा श्रवण। और कल 18 मार्च, मैंने भी कल भी कहा था कि कल एकादशी का व्रत है। जो लोग एकादशी करना चाहते हैं वो कल व्रत करेंगे, क्योंकि 17 मार्च 2023 यानी आज दोपहर 2:07 से एकादशी लग जाएगी और जो कि कल सुबह 11:13 तक रहेगी। तो जो लोग उपवास करते हैं वो कल के दिन ही उपवास करेंगे, क्योंकि एकादशी जो मॉर्निंग वाली मिल रही है, कहते हैं ना सुबह की एकादशी, जो भी कोई उदया काल में जो पड़ता है त्योहार उसी को मनाया जाता है। तो एकादशी मॉर्निंग की कल सुबह से मिल रही है, इसलिए जो है एकादशी का जो व्रत करते हैं वो कल करेंगे। और एकादशी का जो व्रत नहीं भी करते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी के व्रत वाले दिन, या एक महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, तो उस दिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चावल मत खाइए। चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी वाले दिन। और व्रत रखते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम चावल का परहेज, एक दिन चावल छोड़ा जा सकता है, तो चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में जो है मेन चावल का परहेज होता है। तो ये था आज का पंचांग। और अब जिनका आज जो जन्मदिन है उनको इंडिया एक्सप्रेस और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। तो आप आज जिनका बर्थडे है उनके बारे में भी बात करते हैं। तो आज 17 मार्च और 7 और 1 8 यानी जिनका आज बर्थडे है उनका मूलांक हुआ 8। 8 मूलांक वाले जो होते हैं उनके था पाना, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। उनको सफलता हासिल तो होती है लेकिन थोड़े से संघर्ष के बाद। होता यह कि 8 मूलांक वाले कोई भी कार्य करते हैं तो उसका श्रेय चला जाता है दूसरों को। और जो 8 मूलांक जो है उसका जो ग्रह है वो है सूर्य पुत्र शनि। और 8 मूलांक को जिनका जन्म होता है वो थोड़े गंभीर होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों का भला करते हैं। बस इनकी एक दिक्कत होती है कि ये वाणी से थोड़े कठोर और उग्र स्वभाव के होते हैं। दिल के अच्छे होते हैं लेकिन जो इनके वाणी होती है वो थोड़ी सी कठोर होती है, जो भी कहते हैं वो मुंह पे कह देते हैं और ये थोड़ा सा इनके लिए निगेटिव हो जाता है। लेकिन बहुत अद्भुत शक्तियों के मालिक होते हैं 8 मूलांक के लोग। शुभ दिनांक जिनका आज बर्थडे है उनके लिए शुभ दिनांक है किसी भी मंथ में पड़ने वाली 8, 17 और 26। अंक शुभ अंक है 8, 17, 26, 35 और 44। शुभ वर्ष 2024 और 2042 यानी आने वाला 2024 और 2042 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इष्ट देव है हनुमान जी और शनि देवता। और रंग की बात करें कि अगर आपको कोई शुभ काम करना और आपको रंग चूज करना है कि हम कौन सा रंग चूज करें, तो उसके लिए आप काला, गहरा नीला और जामुनी कलर पहन सकते हैं। या किसी शुभ काम में जा रहे हैं तो आप, या आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए शुभ कौन सा कलर है, तो काला, गहरा नीला और जामुनी कलर आपके लिए शुभ रहेगा। कैसा रहेगा आपका आने वाला वर्ष? तो इस वर्ष जो आपके शत्रु हैं वो प्रभावहीन होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, आपके सभी कार्य सफल होंगे। वो कार्य जो किसी न किसी बाधा के कारण रुक जा रहे थे, पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो इस वर्ष पूरी पूरी संभावना है कि वो कार्य आपके पूरे हो जाए। व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा टाइम है और जो नौकरी में है उनका भी प्रमोशन हो सकता है, या वो जो चाहते हैं वो आगे बढ़ेंगे। और जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं यानी बेरोजगार हैं और वो चाहते हैं कुछ करना, तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर वो कोशिश करेंगे तो रोजगार आपको जरूर मिल जाएगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। और इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज के राशिफल पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं क्या है आज का राशिफल। मेष राशि।
मेष राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया है तो उसका परिणाम आ रहा है, अगर आप तो बिल्कुल आपके पक्ष में जाएगा वो। पैतृक संपत्ति के मामले में कोई आपको समस्या हो सकती है। वृष राशि, आज का दिन आप बिल्कुल ऊर्जावान रहेंगे, आपके काम एक के बाद एक काम बनते रहेंगे और आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है, हो सकता है किसी की बात आपको बुरी लग जाए, तो ध्यान दीजिएगा, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिएगा, समस्या आती है साथ में समाधान भी लाती है। मिथुन राशि, आज बिल्कुल आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा आपका दिन, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करे, हो सकता है कोई चूक हो जाए आपसे, इसलिए बिल्कुल केयरफुल रहकर के ध्यान से काम करिएगा। और कर्क राशि आज आप धन प्राप्त करेंगे एक से अधिक जगह से कहीं से, और कारोबार में अगर अभी कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल आज वो दूर हो सकती है, और आज आपने किसी को उधार दिया है तो बिल्कुल आपका पैसा मिल सकता है। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल लेकर के आएगा, लेन देन के मामले में जरा स्पष्टता बना करके रखिएगा वरना आपको दिक्कत हो सकती है। कन्या राशि, आज विद्यार्थी के लिए बढ़िया दिन है, आप जो मेंटली स्ट्रेस होता है वो आज के दिन आपका खत्म हो जाएगा, और जो सरकारी नौकरी में हो सकता है आपको ट्रांसफर का नोटिस मिल जाए। तुला राशि, आज आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर के आएगा दिन, मन की इच्छाएं पूर्ण रहेंगी और किसी धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन समाज कार्यक्रम में आप अपना दिन बिताएंगे, परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य में भी जा सकते हैं, और अपने माता पिता अगर कोई आपकी सलाह दे तो बिल्कुल उसको ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। धनु राशि के लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा, आपका प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन प्रमोशन आपको कहीं और जाकर, मतलब आपको आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। मकर राशि के लिए भी आज एकदम नॉर्मल दिन रहेगा, मिला जुला रहेगा, अपनी ऊर्जा को अच्छे काम में लगाएं, और जो विद्यार्थी हैं वो अपना समय वेस्ट ना करें, पढ़ाई में लगाएं। कुंभ राशि, आज आप सूझबूझ से अपना दिन निकालिए, या कोई भी काम करिए बहुत समझदारी से करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, और ससुराल के क्षेत्र से आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, अगर कोई घर आपको झगड़ा को सुनाई पड़ता घर परिवार में तो कृपया करके दोनों पक्षों की बात सुनिए और उसके बाद निर्णय दीजिए, यही ज्यादा बेस्ट रहेगा। और ये थे हमारे राशिफल, अपने कर्म करते रहिए और निष्पक्ष होकर के अपने फैसले लेने चाहिए, हमें दोनों पक्ष सुनने चाहिए और जो सही हो वही काम करना चाहिए, और किसी भी काम को करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारा लक कैसा है, हमारा दिन कैसा है, अगर हम उसको पूरे मन से करेंगे ना तो बिल्कुल सफलता मिलेगी मिलेगी, क्योंकि होता ये है कि एक हम लोग को कहीं ना कहीं एक और शक्ति होती है जो वो हमारी लगन को देखती है, जो हमारे ग्रह नक्षत्र को टाल सकती है, तो आप अपना 100% ये सोचिए कि नहीं हमारा काम आज मेरा दिन अच्छा नहीं तो काम नहीं होगा, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारे भाग्य होते हैं वो हमारे कर्म से बनता है, तो हो सकता है आपका दिन अच्छा ना हो लेकिन आप पूरी मेहनत करें और आपका भाग्य बदल जाए, तो आपका भाग्य आपके हाथ में होता है और उसको आप बिल्कुल बदल सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, तो भाग्य के भरोसे ना बैठिए, कर्म करिए और कर्म से आपका भाग्य बदल जाएगा। तो ये आज का इतिहास पे आते हैं हम लोग, क्या है आज का इतिहास। आज के दिन बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीब उर रहमान, उनका जन्म हुआ था 1920 में, 17 मार्च 1920 में उनका जन्म हुआ था, और आज के दिन ही 1969 में गोल्डा मेयर इजराइल की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। हम लोग क्रिकेट की बात करें, भारत क्रिकेट की, भारत में क्रिकेट सबकी जान है, तो आज के दिन एक बहुत बड़े क्रिकेटर, बहुत अच्छे शानदार क्रिकेटर जिन्हें हम कहते थे सुनील गावस्कर जी, तो उन्होंने 1887 सॉरी 1987 में 1987 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था आज के दिन ही। इसके अलावा आज मनाया जाता है सेंट पैट्रिक दिवस, 17 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है सेंट पैट्रिक दिवस, और इसका कारण इसलिए है कि सेंट पैट्रिक आयरलैंड के एक संरक्षक संत थे, और आज के दिन जो है उनका सेंट पैट्रिक दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे आयरलैंड में ईसाई धर्म को बहुत अच्छे से फैलाया, तो आज मनाया जाता है सेंट पैट्रिक दिवस।
इसके अलावा आज बहुत सारी हस्तियों का जन्मदिन भी है। भारतीय बॉडी बिल्डर मनोहर एच के, जिनका जन्म आज हुआ था, और जो मिस्टर यूनिवर्स जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे, यानी पहले भारतीय थे जिन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता था, मनोहर एच। इसके अलावा आज जन्म होता है कल्पना चावला जी का, जो कि अंतरिक्ष में गई थी भारत की तरफ से, और उनका दुर्भाग्यपूर्वक वो वापस नहीं आ पाई, एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया उनका जो जिस पे गई थी वो, और उनका जन्म आज के दिन होता है। और इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से उनको सादर नमन। बहुत इतिहास उन्होंने भारत का जो सारे वो गर्व से ऊंचा किया था। इसके अलावा साइना नेहवाल, भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी, और ये भी भारत के लिए गौरव है, इन्होंने भी हर मौके पे भारत का सर गर्व से ऊपर किया है, तो उनका भी आज के दिन जन्म होता है। 1990, 17 मार्च 1990 को साइना नेहवाल जी हमारी भारत की जन्म भूमि में आई थी। उनको भी इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा हुमायूं, आप सभी हुमायूं को जानते होंगे, उनका जन्म भी 1508 में हुआ था आज के दिन ही। और पृथ्वीराज चौहान भी 1946 में आज के दिन ही जन्मे थे। तो ये थे वो लोग जिनका आज के दिन हुआ था जन्म। और अब मुझे दीजिए इजाजत, आज का इतिहास भी हो गया, आज का पंचांग भी हो गया, आज का राशिफल भी हो गया। दोस्तों मुझे जाने दीजिए, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं पे जोर लगाइए। अपनी कोई भी काम हो, किसी के लिए दुआ करनी हो, किसी के लिए प्रार्थना करनी हो, तो उसमें पीछे मत हटिएगा, क्योंकि अगर हम दूसरों को खुशबू देते तो फूल देते हैं तो हाँ खुशबू हमारे हाथ में आ जाएगी। इस एक छोटे से मंत्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन बहुत अच्छा हो, शुभ हो, बहुत सब खुशियां फैलाइए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों को भी खुशियां देते रहिए। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई